पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सैनिकों की ओर से फिर घुसपैठ की कोशिश के चलते करीब चार दशक बाद सोमवार देर रात पहली बार दोनों तरफ से गोलीबारी की खबर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है। ये वही जगह है जहां पिछले तीन महीने से भारत और चीन के सैनिकों के बीच गहमागहमी बनी हुई है। दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सामने डटे हुए हैं। बता दें, LAC के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। चीनी रक्षा मंत्रालय, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमान के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली की ओर से देर रात दिए गए बयान में कहा गया कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की कार्रवाई की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने यह भी खुलासा किया कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से सोमवार को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पास शेनपाओ पहाड़ में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास को पार किया। इस बीच लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लैक पर भारतीय सैनिकों के साथ तनावपूर्ण माहौल के बीच चीन ने जियांगजू और हेबई प्रांत से सटे समुद्री इलाकों में सोमवार से सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। पिछले दिनों पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच टकराव हुआ था। भारतीय जवानों की तैनाती और जवाबी कार्रवाई से चीन की सेना परेशान है। तनावपूर्ण माहौल के बीच दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। भारतीय सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। सीमा पर तैनात सैनिक तब से हाई अलर्ट पर हैं, जब से उन्होंने काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लिया है और चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोलीबारी की घटना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लैक के सटे हुई। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। तमाम न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें।